एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। अभिमन्यु ने कोर्ट रूम में मानी हार। अभिमन्यु तैयार हो गया अभीर को हारने के लिए अक्षरा के हाथ, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ भाई? कोर्ट में जो डिबेट होती है उसमें कोई कहाँ ही कोई लिमिट देखता है, ऐसे में अपने घुटनों पर आ गया अभिमन्यु। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं टेली एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में। लेकिन उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो डू सब्सक्राइब एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों आपको बता दें कि ये रिश्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड से गुजर रहा है। अक्षर और अभिमन्यु का रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उनके बीच एक औलाद है जिसको दोनों ही पाना चाहते हैं लेकिन एक साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे में अक्षरा ने कर दी लीगल केस फाइल और दोनों पहुंच गए कोर्ट रूम में। अब अभिमन्यु ने इतना हाई फाई वकील हायर किया कि उसने सारी हदें पार कर दी। अक्षरा पर लगाए इतने घिनौने इल्ज़ाम, अक्षरा के चरित्र का दोषारोपण कर दिया उसने। वकील ने कहा कि अक्षरा जैसी औरत बच्चे के पालने के काबिल ही नहीं है। वो एक आदमी के साथ एक दूसरे मर्द के साथ रह रही है जिससे उसने आज तक शादी तक नहीं की है। बिना शादी के किसी और औरत के साथ रहने वाली औरत अपने बेटे का क्या ही ख्याल रखेगी। वेल, ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा हताश हो गया। उसने हार मान ली, उसने सबके सामने उस वकील पर चिल्लाया, अक्षरा के सामने जोड़े हाथ, कहा मैं अक्षरा से नहीं लड़ सकता, ना ही मैं इससे लड़ना चाहता हूँ, मुझे अभीर नहीं चाहिए, अक्षरा को अभीर दे दो, अक्षरा को ही अभीर की कस्टडी दे दो, अब मुझे ये बैटल और नहीं लड़नी, मैं थक चुका हूँ, हमारे रिश्ते पर इतने कीचड़ उछाले जा चुके हैं कि अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अक्षरा से लड़ने की। मैंने उसको हमेशा जलील किया है और आज एक बार फिर अभीर के नाम पर मैं उसे भरी अदालत में जलील करवा रहा हूँ। उसने अक्षरा से सभी के सामने मांगी माफ़ी, अभीर की कस्टडी की बैटल को कर दिया खारिज और चला गया अदालत से अक्षरा से माफ़ी मांगकर। वेल, अभिमन्यु ने साफ दिखा दिया कि आज भी वो अक्षरा से बहुत प्यार करता है और अक्षरा के खिलाफ अब वो और नहीं जाना चाहता है। अक्षरा उसकी ज़िंदगी में आए या ना आए पर अब वो अक्षरा को शांति से जीने देना चाहता है। वेल दोस्तों, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब अक्षरा का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि अक्षरा हर युद्ध के लिए तैयार है लेकिन अब सामने वाला यानी अभिमन्यु अक्षरा से लड़ना ही नहीं चाहता। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।